इन दिनों जहां आरके स्टूडियो को बेचने की खबर ने हर किसी को फैला दिया है, क्योंकि आरके स्टूडियो हिंदी सिनेमा का सबसे पुराना, वहीं ये कहा जा रहा है कि कपूर खानदान ने अब सलाह मशवरा कर स्टूडियो को बेचने के बारे में सोचा है। वहीं हर कहीं आरके स्टूडियो के बारे में बातें हो रही है। तो वहीं बता दे कि आने वाली फिल्म लैला मजनू के स्टार्स ने आरके स्टूडियो को लेकर क्या कुछ कहा है, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। हमारी इतनी ज़्यादा उम्र नहीं हुई है। ऑफ कोर्स हम मैं जिस स्कूल में था उसमें बहुत सारे सेलिब्रिटीज आते थे एंड हमें बहुत खुशी होती थी उन्हें देखकर। मुझे उस वक्त मौका नहीं मिला कि मैं उनके साथ नाच गा सकूं। और अगर इफ दे लुक अप टू मी बाय एनी वे, अगर उन्हें दे इन्जॉयड दिस, मुझे इस बात से ज़्यादा खुशी किसी और बात से नहीं होगी। बहुत अच्छा रहा। कुछ टाइम पहले तक ऐसा होता था कि हम उस साइड होते थे और हम ऐसे ही सवाल जवाब कर रहे होते थे, और आज इस तरफ आने का मौका मिला तो काफ़ी अच्छा रहा। बहुत अच्छा सेशन था हम लोगों का बच्चों के साथ, मज़ा आया बच्चों के। जी जी नहीं, कोई ऐसा प्रिविलेज या प्रेशर या ऐसा कुछ नहीं है, जिस मतलब जिससे जो होता है होता है। आई थिंक दे इन दोनों ने बहुत ही अंदर जा कर के एक्टिंग की है, जैसे एक्टिंग होनी चाहिए, सुपरफिशियल तरीके से नहीं किया है। और साजिद ने जिस तरह से इनको डायरेक्ट किया है, वो आई थिंक दैट्स वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स अबाउट द फिल्म। एंड मुझे हमेशा लगता है कि एक्टर्स को स्टूपिड नहीं होना, मतलब डीप होना चाहिए थोड़ा, और जिस डेप्थ के साथ इन लोगों ने वो लाइटनेस भी रखी है, इट्स वेरी क्रेडिटेबल। आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट दीज टू न्यू पीपल दैट आर कमिंग इनटू द फिल्म इंडस्ट्री। काफ़ी एक्साइटेड है हम दोनों ही, और वेट कर रहे हैं कब फिल्म बाहर आए और कब आप लोगों को देखने का मौका मिले, और उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी। तो सबसे ज़्यादा इंतज़ार रहेगा फिल्म देखने के बाद आपसे कब मुलाकात हो। मैं जानना चाहूँगा आपको कैसे लगेगी। आई होप पीपल अप्रिशिएट द फिल्म, हमने बहुत मेहनत की है। 7 तारीख को फिल्म रिलीज हो रही है, खुशी होगी अगर सबको पसंद आए। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।